और आपको बताएं कि शनाख्ती कार्ड्स के हसूल और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा दफातर दूसरे रोज भी खुले रहे। नादरा मेगा सेंटर के बाहर मर्द और ख्वातीन का हजूम बरकरार, समाजी फासले का ख्याल, ना ही हाथ धोने का कोई इंतजाम। शनाख्ती कार्ड्स के हसूल और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा दफातर दूसरे रोज भी खुले रहे। हुकाम की जानिब से समाजी फासले से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद ना करवाया जा सका और शहरियों का हजूम बरकरार रहा। नादरा मेगा सेंटर के अंदर साइलिन के लिए साय का इंतजाम और कुर्सियां लगा दी गयी, मगर मेन गेट के बाहर किसी किस्म का इंतजाम ना किया जा सका। साइलिन धूप में खड़े होकर बारी का इंतजार करने पर मजबूर है। वजह दे आके हम लोग बैठे हैं, रोजा रखे है, इधर आ गए हैं, कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं, रोजे दी हालत बेहोश हो रही हैं बुढ़िया। मैंने आज 7 दिन हो गए ना तके खाने, पूरे 7 दिन तो मेरा मसला हल है, तकरा हल नहीं हो चुका। साइलिन ने इंतजाम न करने पर गिले शिकवे भी किए और कहा कई कई घंटों से गर्मी में ख्वार हो रहे हैं। नादरा इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए, बुजुर्ग शहरियों के लिए मुतबादल इंतजाम होना चाहिए। यहाँ कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पुलिस वाले अपने लोगों को अंदर भेज रहे हैं, जो इनसे इनका रिलेशनशिप ताल्लुक है वो लोग अंदर। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत शहरियों को 12,000 रुपए की इमदादी रकम तो मिल जाएगी, मगर SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है।